सभी साथियों को मेरा जोहार। आज के इस वीडियो में बात करने वाले ऑल इन वन टॉपिक्स के बारे में, जितने भी आप लोग प्रश्न पूछ रहे हो हमसे ईमेल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, सभी का उत्तर मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। इसलिए पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और आप सभी भी व जितने लोगों का टॉपिक्स वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो लोग लाइक कीजिए, इस तरह को मैं उम्मीद करता हूँ। पहली बात कि सेकेंड सेमेस्टर एवं फर्स्ट ईयर माइनिंग का एग्जामिनेशन जो नवंबर मंथ में ख़त्म हो चुका है, उसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है? तो देखिए, आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है 1 महीना पहले, मतलब नवंबर मंथ में ख़त्म हुआ है, तो मान के चलिए कि 2-2.5 महीना समय लगने वाला, क्योंकि आप लोग अभी एज अ सेकेंड ईयर हो, आप लोग के पास आउट में काफ़ी सारा समय है। इसलिए रिजल्ट जो आप सभी का बनकर आने की संभावना है वो लगभग फरवरी मंथ में आएगा। अब ये फरवरी में कब आएगा ये एग्जैक्ट किसी को मालूम नहीं है, मगर फरवरी में ही आएगा, ये याद रखिएगा। ना फरवरी ख़त्म होने से पहले आएगा, ना स्टार्टिंग फरवरी में आएगा, फरवरी मंथ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी सेकेंड सेमेस्टर का टेंशन ना लेते हुए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा जो है वो फरवरी के लास्ट वीक से लेके मार्च का फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। 99% चांस है कि आप सभी का थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा फरवरी के लास्ट वीक, मतलब फरवरी के लास्ट से लेके मार्च के फर्स्ट वीक में आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले ही आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म भरवा लिया जाएगा, मतलब जनवरी मंथ में आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म को भरवा लिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए हुआ जो बच्चे 2021-24 वाले हैं, जिनके मन में लगातार ये प्रश्न उठ रही थी कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब तक होगा, तो ये बात आप लोगों के लिए है, ठीक है। अब अपने आप अपने स्तर से अपने दोस्तों को तक ये बातों को शेयर कर दीजिएगा। एक हम लोगों को हो गया कि भाई बेसिक माइनिंग का क्लास जो हम इंट्रोड्यूस किए हैं, इसके ऊपर बकायदा में एक वीडियो अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको देख लीजिएगा। जितने भी माइनिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपको बेसिक माइनिंग के बारे में जानना है, जानकारी लेना है, तो उसके ऊपर मेरा क्लासेस चल रहा है। अगर आपको इसमें इनरोल करना है तो आपको अपने मोबाइल में टीचमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट, फिर उसके बाद में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मेंशन है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप टीचमेंट के बेसिक माइनिंग क्लास में इनरोल कर लीजिएगा। फिर आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट करके मुझे पर्सनली आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में या ईमेल के माध्यम से कि भैया मैंने पेमेंट कर दिया है, उसके बाद में मैं आपको पेमेंट को वेरीफाई करके आपको इनरोलमेंट दे दूंगा। उसमें डेली मेरा क्लासेस चलता है लगभग 15-20 मिनट का, और मैं जितना भी टॉपिक कहा था उस वीडियो में, बेसिक माइनिंग वाला वीडियो में, उस सभी वीडियो को मैं कवर करूँगा, सभी टॉपिक को मैं उस वीडियो में क्लासेस में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो उसमें आप इनरोलमेंट कर सकते हो, ठीक ना। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के, देखिए इससे पहले काफ़ी सारे बच्चे ऐसे जो मुझे लगातार मेल कर रहे थे, भैया मुझे पढ़ना है, तो देखिए 2-4 को मेल से नहीं ना पढ़ाएंगे हम। अब क्या मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर एक क्लास को रिकॉर्ड करके अपलोड कर दे रहा हूँ। अब बच्चे इनरोलमेंट जब भी करेंगे, आज करें, कल करें, परसों करें, उनके पास बहुत सारे लेक्चर का वीडियो प्लेलिस्ट है, मतलब लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक वीडियो अपलोडेड है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। लेक्चर 1 पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 वैसा देख के अपना टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया बेसिक माइनिंग, कितना फी लगेगा, कैसे करना, ये सब बकायदा मैं बताया हूँ। अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्लासेस चल रही है, अगर आपको इनरोलमेंट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें क्लिक कीजिए, टीचमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, मैं आपको इनरोल कर लूँगा। अब हम लोग आ जाते हैं बैकलॉग एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए ये जो टॉपिक है बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। क्यों सेंसिटिव टॉपिक है? लगातार इसे मैं 2-3 महीने से काम कर रहा हूँ, मतलब अगस्त में अगर मैं पास आउट हुआ हूँ ना, लगभग 8 अगस्त को रिजल्ट आया था, 10 अगस्त को पब्लिक किया गया था, तब से मैं लगातार इस पर काम कर रहा हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। मगर बच्चे क्या है ना कि सोचते कि एग्जैक्ट डेट मैं बता दूँ कि किस दिन से परीक्षा होने वाला, कौन सा बेसिक का परीक्षा किस दिन से होगा, तो वो मुझे नहीं मालूम है। एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम है, केवल यूनिवर्सिटी को मालूम है कि वो किस दिन कौन सा परीक्षा लेने वाला है। मगर आपके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल हम वीडियो नहीं बना पा रहे आपके लिए ना इस टॉपिक पर ना, तो काम नहीं कर रहे, काम हम अंदर अंदर बहुत सारे कर रहे हैं आपके लिए। लगातार यूनिवर्सिटी को मेल करते हैं, बात करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, वहाँ जो अपने आदमी है उनसे बात करता हूँ सर कि जल्द से जल्द परीक्षा ले लिया जाए। मगर कुछ बच्चे ऐसे जो इरिटेट कर दे रहे, इरिटेट मीन्स कि लगातार मेल कर रहे, पूछ रहे भैया कब होगा, आपने दिसंबर में कहा था ना, दिसंबर अभी स्टार्टिंग हुआ है, आज 11-12 दिसंबर हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं दिसंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर खत्म होने में लगभग अभी 20-22 दिन बचा हुआ है, तो आप पढ़ाई करते रहे, दिसंबर मंथ में एग्जामिनेशन होने की पूरी उम्मीद है, ऐसा हमने कहा था यूनिवर्सिटी के द्वारा, कुछ मालूम चला तभी मैंने कहा था। आप लगातार हमारे ऊपर ही चढ़ जा रहे हो, अगर आप हमारे ऊपर ही चढ़ के लगातार हमको इरिटेट कर दोगे तो फिर हम छोड़ देंगे। अब दिसंबर में हो या जनवरी में हो, फिर
से क्या मतलब, मैं तो खुद पास किया हूँ, एज ए मैं पास किया हूँ अपने कॉलेज का टॉपर होने के नाते मुझे इस टाइप मुद्दा पर पढ़ना नहीं चाहिए, मगर मैं फिर भी पढ़ा। पर आप लोग लगातार क्या करें, सपोर्ट वपोर्ट तो करते हैं, हम लगातार कहते कि भाई बैकलॉग वाले बच्चे अगर 4K सब्सक्राइबर पहुँचा देते चैनल पर ना, तो इनके लिए बकायदा मैं यूनिवर्सिटी जाकर ऑफलाइन मोड में पता करके आऊँगा कि कहाँ तक काम चला, क्यों देरी हो रहा, क्या बात है। मगर आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हो और लाइक ठोक देते हो, लाइक दे देते कि नहीं भैया को खुशी मिले, खुशी तो मिलता मगर सब्सक्राइब कर दोगे या करवा दोगे दोस्तों से अपने फैमिली के फोन से तो मुझे और खुशी मिलेगा, इसके लिए हम काम करेंगे, मगर आप लोग करते नहीं हो। मैं फिर भी आपके लिए काम करूंगा, चलिए आप करो ना करो, इतना बोलने के बाद हमको लगता कर ही दोगे। मगर देखिए दिसंबर में एग्जाम होने वाला है ऐसा यूनिवर्सिटी कहा था, और अभी 11 दिसंबर हो चुका है, तो मान के चलिए कि इसी वीक में ना लगभग मंडे से शनिवार के बीच में आप सभी का नोटिस आने की पूरी संभावना है। एग्जैक्ट नहीं कि आ ही जाएगा, हो सके किसी भी तकनीकी या किसी भी कुछ अलग डिपार्टमेंटल बातों के कारण से नोटिस ना आए, ऐसा भी हो सकता है कि हम या आप मतलब यूनिवर्सिटी सोच लिए कि इस दिन देंगे और उस दिन नहीं भी आता। क्यों नहीं आता भाई, तो कोई वहाँ के अधिकारी छुट्टी पर चले गए होंगे या फिर कोई इस तरह का बात हो गया होगा, यूनिवर्सिटी रेडी नहीं होगा सेंटर से बात करने, मतलब कुछ भी ऐसा बात होगा कि नोटिस नहीं आएगा, तो फिर लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में नोटिस आएगा, लास्ट वीक दिसंबर में नोटिस आ जाएगा। मतलब दिसंबर मंथ में तो बैकलॉग के ऊपर बकायदा नोटिस आने वाला ही है कि एग्जाम कब से होगा, और जैसे ही आएगा आपको मालूम चल जाएगा एग्जाम किस दिन से है, कौन सा विषय का एग्जाम किस दिन होने वाला है, सेंटर कहां पड़ेगा, ये एडमिट कार्ड मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो परेशान ना हो, लगातार इस पर काम चल रही है, और यूनिवर्सिटी के ऊपर हम लोग प्रेशर दबाव सब बना रहे हैं, कि केवल एक हम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जो अंदर अंदर काम कर रहे हैं। आपका काम है कि बैकलॉग के ऊपर ना सोचते हुए काम करते रहिए, और किसी एक को फॉलो कीजिए, चैनल पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम जैसे कुछ नोटिस आता है अगर हम लाइव आकर या वीडियो बनाकर नहीं बता पाते हैं तो टेलीग्राम में हम उसको मेंशन कर देंगे विद इन अ मिनट कि हाँ देखो ये नोटिस आया इसको पढ़ दो। होता है ना भाई कि हम हर वक्त तो मौजूद नहीं ना रहेंगे कि वीडियो रिकॉर्ड कर दे, क्योंकि वर्तमान में मैं अभी धनबाद में हूँ, मेरे पास वाईफाई सिस्टम है, व्हाइट बोर्ड है, मैं बता देता हूँ, मगर कुछ दिनों के बाद मैं साउथ जाने वाला हूँ किसी काम से, अगर मैं वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ मैं शिफ्ट हो जाता हूँ, तो उस कंडीशन में मैं वीडियो बना बना कर नहीं बता पाऊंगा, उस कंडीशन में मैं एक आध वीडियो बना के बताऊंगा, अन्यथा मैं हर एक अपडेट्स को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए ताकि वहाँ से आपको मालूम चल सके, और जो आप लोग रात में 8 बजे 10 बजे मैसेज करके पूछते हो ना बैकलॉग के ऊपर, मैं उस चीज़ मत कीजिएगा, वो ऐसा कीजिएगा रिटेट कीजिएगा तो फिर आपको ब्लॉक कर देंगे, और आप चिड़चिड़ाइएगा तो आपकी वजह से बाकी बच्चे जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं बैकलॉग के मुद्दा पे उनको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आशा है कि आप लोग एग्जाम जल्द से जल्द हो जाए।